चाहेंगे जिसने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछले वर्ग के जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। 2024 का चुनाव हारने जा रही है, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग जो 2024 में जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, केशव जी भी है उनकी अंतरात्मा जाती है पर उनकी पार्टी नहीं जाती। लगातार कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जाति जनगणना, और अब तो जब बिहार में जाति जनगणना स्टेट ने कर दी तो क्या दिक्कत है, सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अनुच्छेद 246 के भीतर, भारतीय संविधान के भीतर 246 में प्राविधान है कि किस प्रकार से कौन कानून बनाएगा, और उसके भीतर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनी हुई है। जनगणना जो अनुसूचित 7 है उसके 69 में जनगणना का अधिकार भारत सरकार, भारत के संसद को है, और भारत के संसद को अतिक्रमण करके राज्य जनगणना नहीं करा सकते। नमस्कार, मैं कुंदन जबैर। जातीय जनगणना पर जंग तेज है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से उफान पर है। विधानसभा में सूर्य प्रताप शाही का बयान आपने सुना, कोई राज्य नहीं करा सकता जातीय जनगणना, भारत की संसद को जनगणना का अधिकार है। बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुई है, ना लोहिया पर भरोसा ना अम्बेडकर पर। लोहिया अम्बेडकर जाति की बात नहीं करते थे, ये सूर्य प्रताप शाही ने कहा है। लोहिया जाति जोड़ो समाज जोड़ो कहते थे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन मयूर सबसे पहले हम मयूर का रुख करेंगे, हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। मयूर, कुल मिलाकर के अगर देखिए दो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत उमरा हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं और तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, लेकिन मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, इस मसले पर क्यों एक बार फिर से सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही, क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, इसके बाद ये सियासत चरम पर फिर से पहुंच गई है? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग कर रही है, अन्य पार्टी भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो, और अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये बात कहा था कि हमारे बड़े नेता चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं जातीय जनगणना हो, लेकिन सूर्य प्रताप शाही ने आज सदन में कहा कि कोई भी राज्य सरकार जातीय जनगणना नहीं करा सकती है, ये केंद्र का काम है, सेंट्रल से होगा। लेकिन फिर भी उस पर जो है लगातार राजनीति हो रही है। बिहार ने कह दिया कि हमने जातीय जनगणना कराई है, कुछ लोकल लोग हैं लखनऊ में, इनसे बात करें जाने कि जातीय जनगणना के बारे में भाई साहब लगातार पॉलिटिक्स हो रहा है, होना चाहिए। कोई कहता है कि बिहार में कराया गया, यूपी में हो, अन्य राज्यों में हो, सरकार के ही मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकार तो करा ही नहीं सकती, केंद्र का मामला है, वो कराएगी जातीय जनगणना। आप सही मानते हैं? देखिए, वो तो बरगला रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि जातीय जनगणना के हमारे बड़े नेता भी पक्षधर हैं, चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बताइए, केंद्र सरकार भी तो स्टेट के कर्मचारियों से ही तो जाति जनगणना कराती है, तो वही स्टेट करा के केंद्र सरकार को देते हैं। जाति जनगणना में किसकी कितनी संख्या है उस हिसाब से जाति जनगणना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाति जनगणना कराने की, बरगलाने की बात न हो। और समाजवादी पार्टी मांग की है तो सही मांग की है, और समाजवादी जनगणना जाति, इनका कहना है, चाहती है कि जाति कहना है कि होनी चाहिए, बरगलाने की बात ना हो। आपको लगता है कि बड़ा चुनावी मुद्दा है ये? नहीं, जो बड़े भाई कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं कि होनी चाहिए इसमें जाति जनगणना, और ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं और ये ईमानदारी बोल रहे हैं, और होनी भी चाहिए। आप लोग पक्ष में हैं जाति जनगणना हो तो प्रभाव पड़े? जाति जनगणना होनी चाहिए, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, समझ रहे हैं, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने कहा है
तो जाति की जनगणना होनी चाहिए। नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, तो भाजपा के नेता भी। अरे अभी अगर मान लिया वो कह रहे हैं तो सारे लोग ये कह रहे हैं, आज जितना नेता है वो सारे लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। मोदी चाहिए जाति जनगणना, तो मामला कहाँ फंसा है? देखिए, जाति जनगणना से ना मेरा ना मेरे परिवार ना मेरे खानदान को कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मैं भी चाहता हूँ जाति जनगणना हो, क्योंकि जाति जनगणना में मैं एससी हूँ, मुसलमान एससी हूँ, लेकिन मेरा हिस्सा नहीं मिलता। मैं इसलिए जाति जनगणना में मुझे नहीं फायदा, लेकिन जिसका फायदा हो सकता है आबादी के अनुपात से जिसका जो फायदा हो वो मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक कार्य योजनाएं जो बनती हैं कि जात के कितना हिस्सा होता है वो निर्धारित नहीं हो पाता। इसीलिए कि जात के आधार पर राजनीति शुरू हो जाएगी, जात के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए इस देश में। चूंकि इस समय जातीय के आधार पर राजनीति हो रही है। अच्छा, जब जनगणना हो जाएगी तो जातिवार जो जातिवाद जातिवादी राजनीति हो रही है वह राजनीति होना बंद हो जाएगी। सारे लोग अपने अपने हक और अधिकार। ठीक है भाई, मैं रोक रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।